हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली को लेकर के है और कहा गया था कि एक एक डे वाइज करके बनाइए। टैली की जो क्लास आप ले रहे हैं वो डे वाइज करके बनाइए, यानी कि पहला दिन, दूसरा दिन, इस तरह से करके बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले दिन से स्टार्ट करते हैं टैली। पहले दिन में क्या करना होता है आप ही बताइए, आप ही सोचिए। टैली सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है? टैली सॉफ्टवेयर आप जब भी किसी दुकान पे, शॉप पे, या किसी ऑफिस में, या किसी सीए के यहाँ काम करते हैं तो वहां पर टैली यूज होता है। तो जो भी काम होता है वो थ्योरेटिकल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द वर्क 95% वर्क प्रैक्टिकल ही होते हैं, तो प्रैक्टिकली ही हम टैली को देखेंगे, ठीक है। तो ये टैली प्राइम का एडिट लॉग है मेरे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, हम लोग इसी पे पूरा डिटेल समझेंगे टैली का, ठीक है। तो देखिए टैली का जो है ना वो एक तो एजुकेशनल मोड आता है जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट टैली सॉल्यूशन से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप का शॉप है, आप टैली जैसा सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं या टैली परचेज करना चाहते हैं तो आप टैली को परचेज भी कर सकते हैं, तो टैली सॉल्यूशन से ही जाके परचेज कर सकते हैं, या अदरवाइज आपको अदर वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं, या नजदीकी कहीं शॉप पे टैली अवेलेबल हो तो वहां से भी परचेज किया जा सकता है, ठीक है। टैली का लेटेस्ट वर्जन आपको परचेज ही करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पैसे देने होते हैं 17, 18 या 21-22 हज़ार तक भी देने पड़ सकते हैं अगर आप लेटेस्ट वर्जन खरीदते हैं तो, ठीक है। फिलहाल मैंने एजुकेशनल मोड यूज किया है, तो ये टैली का जो है एजुकेशनल मोड ओपन होगा तो कुछ ऐसे आएगा। तो हमारे पास कोई लाइसेंस तो है नहीं कि हम इसको एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिवेट लाइसेंस, न्यू लाइसेंस, हम लाइसेंस को एक्टिवेट नहीं करेंगे, पुराना कोई लाइसेंस हमारे पास है नहीं, हम नेटवर्क से इसको यूज नहीं करेंगे, हम सीधा एजुकेशनल मोड में जाएंगे। ये आगे एजुकेशनल मोड में यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F3। देखिए ये कंपनी दिया गया है और ये F3 है, यहाँ पर कंपनी पहले से बनी हुई है लेकिन मैं आपको न्यू कंपनी बना करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इसे अल्टर कैसे करना है, आप अल्टर करने का क्या मतलब होता है, डिलीट कैसे करेंगे और उसमें चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे, ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। कंपनी को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे, ये सारी बातें, प्रिंट करना है कैसे करेंगे, ये तमाम चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले F3 प्रेस कर लेते हैं, ये आ गए अल्टर कंपनी, ये लिस्ट ऑफ कंपनी खुल जाती है, कंपनी वाली लिस्ट खुल जाती है इसमें, ठीक है। इसमें आपको तमाम ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी बनी हुई है और उसमें कुछ गलत हो गया तो चेंजेस के लिए अल्टर पे जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनीज दिख रही हैं तो सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कंपनी पे जा सकते हैं। और लास्ट बचा शट कंपनी, तो शट कंपनी वो होती है जहां आप कंपनी को बंद करते हैं, यानी ओपन है कंपनी फिर उसको क्लोज करेंगे तो वो शट कंपनी कहलाएगी। तो बस यही तो है, अब यहां से हमें कंपनी बनानी है तो चलिए क्रिएट कंपनी पे चलते हैं। नेविगेशन बटन होता है कीबोर्ड में, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्रिएट कंपनी पे आकर के एंटर कर दीजिएगा। तो जैसे ही एंटर करेंगे ना आप, तो वैसे ही आपके सामने एक नया फॉर्म आएगा। अब ये टैली का डिफॉल्ट पाथ है, क्या है डिफॉल्ट पाथ, यहीं पे जाके सारी चीजें सेव होंगी, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपको कंपनी का नाम देना हो वो दे दीजिए, जैसे माई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसी नाम से मैं बना देता हूँ, माई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका एड्रेस आता है, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। अब न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूँ मैं, अब एंटर किया। अब यहाँ पर और भी लंबा हो, कुछ चीजें और भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है लेकिन मान लीजिए मैंने गलती से यहाँ आंध्र प्रदेश डाल दिया, ठीक है, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 274001 हमारा पिन कोड है लोकल एरिया का, तो वो पिन कोड डाल दिया, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, तमाम चीजें आप डाल सकते हैं, मेरे पास फिलहाल है नहीं तो मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ, आप चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ पर दो डेट्स आती हैं, एक डेट होती है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की और दूसरी डेट होती है कि कब से काम आपका स्टार्ट हुआ है, तो मैं एक ही तारीख रखता हूँ दोनों में डेट, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप एंटर 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 लास्ट तक प्रेस कीजिए, जैसे एंटर एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाले पे आया, फिर एंटर करेंगे थर्ड वाले पे आएगा, या तो ये काम करके लास्ट तक एंटर 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 करते जाइए, नहीं तो कंट्रोल ए कर दीजिए तो ये पूरा एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपकी कंपनी बन गई। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, स्टेट हमने गलत डाल दिया है, तो कंपनी तो हमारी बन गई, अब इसमें काम चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में गलती हो गई, स्टेट गलत डाल दिया, सही करना है कैसे करेंगे, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है कंपनी ना, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या F3 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने पहले करके आपको दिखाया है। तो आप F3 ना करके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और हमारी कंपनी का नाम क्या है, माई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ये ना। अब यहाँ से अल्टर कंपनी पे जाएंगे, या आगे अल्टर कंपनी पर एंटर कर देंगे। अल्टर करने का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं या कंपनी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अल्टर कंपनी पे जाके ही कर सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर,
अब एंटर करेंगे यहां पर स्टेट हमें उत्तर प्रदेश करना था, गलती से आंध्र प्रदेश हो गया था, तो इसको सही कर लेते हैं, यू प्रेस करते हैं, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और इसे एक्सेप्ट भी कराना होगा। तो वही मैंने बताया, या तो लास्ट तक एंटर 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 करके और लास्ट तक एंटर करते जाइए तब ये एक्सेप्ट होगा। देखिए एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं तो कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। तो ये सुधार करने का तरीका मैंने बता दिया। मान लीजिए कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, तो आप सीधा सीधा अल्ट के साथ डी प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस करना है, शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्टर डी, अल्ट डी, तो कीबोर्ड में अल्ट डी का बटन होगा, आएगा, देखिए डिलीट करना है तो हमें फिलहाल डिलीट नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से ये कंपनी बनानी है और इस तरीके से डिलीट करना है। ये सारी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का बड़ा दिक्कत होता है, तो फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम दोनों अलग अलग चीजें हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम काम कब से शुरू हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा इंडिया में। ठीक है, तो कंट्रोल ए कर देते हैं, ये हमारा काम हो गया। तो बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, इस तरह से कंपनी बन जाएगी और इस तरह से तमाम चीजें हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कि आखिरकार जब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट टैली जो है टैली सॉल्यूशन वेबसाइट पे मिल जाता है तो हम क्यों ना वहीं से डाउनलोड कर लें, हमें खरीदने की क्या जरूरत है, क्यों 20-22 हज़ार रुपए फंसाएंगे हम। तो देखिए इस वाले वर्जन में ये जो एजुकेशनल मोड है इसमें आपको डेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कस्टमर अगर 5 तारीख को आता है सामान खरीदने आपसे, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम 5 तारीख को नहीं बेचेंगे, आप तो 5 तारीख को भी बेचेंगे सामान। तो ऐसे में दिक्कत ये होगी कि डेट चेंज नहीं होगी, ऐसे में आपको ऑडिट में तमाम चीजों में दिक्कत आ जाएगी। तो जिस चीज के लिए आपने सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड किया है वो दिक्कत करेगा। तो यानी कि आपको डेट भी चेंज करना है, इसलिए आपको टैली परचेस करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। ये पहली क्लास, जैसे आपने कहा था कि एकदम बेसिक से सिखाइए, तो लीजिए बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। ठीक है, चलिए दूसरे क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।